दोनों को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी ही सनसनीखेज हैं। इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। डिप्रेशन कहता था कि मुझे डिप्रेशन नहीं, लेकिन फैक्ट यही गई सुसाइड करने का उसका। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ मठ के बाहर हुए हमले की जांच आतंकवाद के एंगल से शुरू हो गई है। यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ऐसे में सवाल पब्लिक का ये है कि क्या ये हमला हिंदू विरोधी सोच का नतीजा है? कैसे और क्यों एक मुस्लिम युवक धार्मिक नारेबाजी करते हुए गोरखनाथ मठ में आतंक फैलाने की कोशिश करता है, और क्या गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुआ हमला इस्लामोफोबिया के नाम पर संग्राम करने वालों को कटघरे में नहीं खड़ा करता? मैं इस मुद्दे को पब्लिक के सवालों के साथ उठाऊं, उससे पहले देखते हैं आज की तीन बड़ी खबरें। विनय मोहन क्वात्रा भारत के अगले विदेश सचिव होंगे। क्वात्रा अभी नेपाल में भारत के राजदूत हैं। 2015 से 2017 के बीच उन्होंने पीएमओ में काम किया है। मौजूदा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान में सियासी संकट बेहद नाजुक हो गया है। इमरान खान संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। इमरान ने केयरटेकर प्रधानमंत्री के तौर पर गुलजार अहमद को नॉमिनेट किया है। उधर संसद भंग करने पर सुप्रीम कोर्ट में कल तक फैसला टल गया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, लगभग पूरी दुनिया प्रदूषित हवा में सांस लेती है। WHO की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 99% लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। WHO के आंकड़ों के मुताबिक गरीब और मिडिल इनकम वाले देशों में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है। सवाल पब्लिक का, गोरखनाथ मठ के बाहर हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियर बनकर पास आउट हुआ। आरोपी मुर्तजा का मकसद क्या था? उसका क्या किसी आतंकवादी संगठन या किसी चरमपंथी संगठन से संबंध है? इसे लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन पुलिस आतंकवादी हमले की आशंका को नकार नहीं रही है। पुलिस ने संवेदनशील दस्तावेजों के मिलने की बात कर मामला गंभीर होने का संकेत दिया है। आइए सुनते हैं आज ADG लॉ एंड ऑर्डर ने लखनऊ में क्या कहा। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो उन चीज़ों को देख के लगता है कि ये गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी, और इसमें जैसा कि ACS होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी, लेकिन जो दस्तावेज हम लोगों को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी ही सनसनीखेज हैं। अगर ये व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता तो जहाँ आम व्यक्ति दर्शनार्थी वगैरह हैं उनको बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंच सकती थी। आरोपी मुर्तजा का परिवार गोरखपुर का रहने वाला है, लेकिन मुर्तजा लंबे समय से मुंबई में रह रहा था। मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बासी की दलील है कि मुर्तजा अवसाद से पीड़ित है और आत्महत्या के विचार उसके मन में आते थे। आइए सुनते हैं उनके पिता ने क्या।
कहता था कि मुझे डिप्रेशन नहीं, लेकिन फैक्ट यही है, सुसाइड करने का उसका सुसाइड करने के लिए जी, मतलब हाँ, तो वो सुसाइड ही करना, लेकिन उसको बोला था कि भाई सुसाइड जो है धर्म में सही नहीं है, उसी हाँ उसमें फिर चार्ज हो गया, घबरा गया, फिर अपना ये फिर बोला भाई भाग रहा हूँ। अब सवाल ये कि स्ट्रेस में रात भर मंदिर इसीलिए चले गए हमको गोली मार, भाई भाई मंदिर हाई सिक्योरिटी जोन है, मैं तो ये समझता हूँ ऐसे एडवोकेट की यही। गोरखनाथ मठ पर हुआ हमला आतंकवादी घटना है या नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन मेरा सवाल जांच के दायरे से बड़ा है और ये सवाल उठा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान से। पिछले हफ्ते राजस्थान के करौली में हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद दंगे हुए। इस दंगे के बाद से अशोक गहलोत मोदी सरकार और बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। अशोक गहलोत का कहना है कि देश में मोदी सरकार के आने के बाद से हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, देश का माहौल बिगड़ा है, इसी का नतीजा है कि करौली जैसी घटनाएं हो रही हैं। सुनिए। बहुत खतरनाक दौर चल रहा है देश के अंदर, इनका संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, तो यकीन में बार बार कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे हम सब गर्व करते, हम हिंदू नहीं है क्या? इस प्रकार चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व की बात करो, चुनाव जीतने के लिए आप ध्रुवीकरण करो, ये आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, ये आग लगाने का काम करते हैं, आग बुझाने में बहुत मुश्किल टाइम लगता है, मुश्किल वक्त लगता है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं इनका व्यवहार, ये मैं कहना चाहता हूँ। करौली दंगे के बाद अशोक गहलोत ने जो कहा उसी तरह की बातें फिल्म कश्मीर फाइल्स के विरोध में भी कही जा रही हैं। हिंदू नरसंहार की सच्चाई दिखाने वाली फिल्म को इस्लामोफोबिया बताया जा रहा है। मेरा मुद्दा ये है कि क्या करौली दंगा और अब गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुआ हमला कथित इस्लामोफोबिया की प्रतिक्रिया है, और अगर ये प्रतिक्रिया है तो ये क्यों हो रहा है? क्या इस वजह से दंगे और हिंदू मठ के बाहर हमले पर आंखें मुंदी जा सकती हैं? करौली की घटना को लेकर अशोक गहलोत बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्यों पथराव के आरोपियों को लेकर चुप्पी बरत रहे हैं? राजस्थान पुलिस के मुताबिक करौली में पथराव का मुख्य आरोपी पार्षद मतलूब अहमद है, जो अभी फरार है। करौली के पीछे पीएफआई का हाथ होने की भी आशंका बताई जा रही है। तो आज पब्लिक का सवाल यह है कि कश्मीर फाइल्स की को कोसने वाले जवाब देंगे कि गोरखनाथ के बाहर हमला क्यों हुआ? करौली और गोरखनाथ की घटनाएं हिंदू विरोधी सोच का क्या नतीजा है? और सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीति इस्लामोफोबिया होने को चोला ओढ़ रही है, यही आज सवाल पूछ रही है पब्लिक। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई, आप चुनकर पहली बार हमारे शो में हाजिर हुए हैं, तो बहुत बधाई मेरी तरफ से आपको और पूरे टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी अध्यक्ष हैं एमपीसीआई के, और माजिद हैदरी कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित रायना राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, ये भी आज हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगी। जरा सी कोई बात होती है तो सबसे पहले बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर करौली में कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार होती है, अगर कश्मीर फाइल्स बनती है तो ये इस्लामोफोबिया का नतीजा है, अगर पीएफआई चिट्ठी लिखकर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनको पहले से बताती है कि कोई आशंका है तो भी उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, और आज गोरखनाथ पर जब हमला होता है तो चुप्पी, कोई कुछ नहीं कहता, ये हिंदू फोबिया नहीं है? इसके ऊपर भी तो कोई टिप्पणी होनी चाहिए। अ
देखिए नाविका जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इसके तीन दृष्टिकोण हैं, एक तो है धार्मिक दृष्टिकोण, एक है राजनीतिक दृष्टिकोण, एक है कानून व्यवस्था का दृष्टिकोण। जहाँ तक आपने सवाल किया राजस्थान की घटना का, तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ वहाँ गवर्नमेंट कांग्रेस की है, कांग्रेस की गवर्नमेंट की हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कानून व्यवस्था को ठीक रखना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, ये राज्य सरकारों का विषय है और इसको प्रमुखता से, इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहाँ तक राजस्थान का करौली का विषय है, वो बिल्कुल मैं उसकी निंदा करता हूँ और वो बहुत ही गलत घटना है और राज्य सरकार ने वहाँ शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयास किए हैं और अगर कोई कमी है तो उसे करना चाहिए। मैं उस घटना को की सराहना नहीं करता, मैं बिल्कुल हिपोक्रेसी की बातें नहीं करूँगा। दूसरी बात है गोरखपीठ पे, गोरखनाथ मंदिर के ऊपर जो ये हमला हुआ है जिसमें दो जवान हमारे सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं और इसकी मैंने वीडियो भी देखी हैं, तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और संवेदनशील विषय है। उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी मुझे लगता है जांच कर रही होगी और उसे जांच भी करनी चाहिए कि ये व्यक्ति क्या इसने किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या ये किसी संस्था से जुड़ा व्यक्ति है, इसका मोटिव क्या था या इसने अपने निजी विरोध और निजी घृणा के कारण, नफरत के कारण ये हमला किया। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए, और आपके चैनल पे शलमरी त्रिपाठी जी हैं तो इस सरकार का पक्ष रखेंगे कि इन्होंने अब तक उस पर क्या किया है। मैं किसी भी आपराधिक घटना का, हिंसा का समर्थन ना कभी मैंने किया है, ना मैं करता हूं और ना मैं करूंगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हो सकता है किसी भी घटना का राजनीतिक लाभ और राजनीतिक हानि होती है, लेकिन मुझे राजनीति से ज़्यादा इस राष्ट्र की चिंता है और मैं राष्ट्रीय एकता और अखंडता के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रख रहा हूँ। हो सकता है बीजेपी को मेरी बात अच्छी लगे, हो सकता है बीजेपी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोरखनाथ मंदिर के गेट पे, द्वार पे जो हमला हुआ है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन से ये अपेक्षा करता हूँ कि इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्या वह व्यक्ति किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा है, क्या वह व्यक्ति किसी आपराधिक ग्रोह का हिस्सा है, या वो अपनी निजी द्वेष और ईर्ष्या और घृणा के वश या किसी और कारण से उसने ये घटना को अंजाम दिया है। आचार्य जी, आपसे कम से कम मैं थोड़ा सा विस्तार जरूर चाह रही थी। आपने कहा कि मैं सराहना नहीं करता करौली घटना की, पर आपने एक शब्द नहीं कहा कि मतलूब अहमद, जिसके कई कांग्रेसी लोगों के, नेताओं के साथ पोस्टर छपे हुए हैं, ये पोस्टर मेरे हाथ में है, ये अभी तक फरार है। 48 घंटे में अभी तक राजस्थान की पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर मुर्तजा गोरखनाथ पर हमला करता है और वहां सुरक्षा कर्मियों को घायल करता है तो ये उसकी निजी मानसिकता पर देखना चाहिए, लेकिन अगर कश्मीर फाइल्स बनती है या अगर कोई और कहीं पर घटना घटती है तो वो तो इस्लामोफोबिया ही है, वो किसी का निजी विचार नहीं हो सकता, वो तो पूरा का पूरा जो आपकी हिंदू धर्म फॉलो करने वाली पूरी फौज है, पूरी कौम है, उसको बदनाम करना चाहिए, कहना चाहिए कि ये इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं। मैं पूछना चाहती हूँ ये कहाँ तक सही है? नाविका जी, आप जरा कल्पना कीजिए कि यही घटना अगर उल्टी हुई होती, कोई हमला करता, कोई जिसके नाम के आगे कोई हिंदू आइडेंटिटी होती, कोई दूसरा धर्म स्थल होता, तो आप ये कल्पना कर सकती हैं कि पूरे देश के भीतर कुछ तथाकथित प्रबुद्ध जो वर्ग के लोग हैं, जो अपने आप को शो कॉल्ड बड़ा सेकुलर कहते हैं, बड़ा प्रबुद्ध कहते हैं, वो कितनी छातियां पीट रहे होते, कितना कोहराम मचा रहे होते। इस देश में हमेशा ही कहा गया कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, और एक डायरेक्टर ने एक फिल्म बना दी तो बहुतों के घर में मातम पसर गया, बहुतों के घर में चूल्हे जलने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने घटना दिखाई। क्या वो घटना गलत है? क्या जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया, क्या वो उस देश में हुआ नहीं है? तो आप चाहते हैं कि आप हमें मारिए भी, आप हमारा दमन भी करिए, आप हमारा उत्पीड़न भी करिए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार भी करिए, और उस पर कुछ लिखिए भी मत, उस पर कुछ बोलिए भी मत, उस पर कुछ दिखाइए भी मत। आज की जो घटना है, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। नवरात्रि चल रही है, नोट करने की बात है कि नवरात्र का अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज शाम को वहां पर पहुंचना था, आज शाम को वहां पर रहने वाले थे, और ये व्यक्ति जो कि IITian है, पढ़ा लिखा है,
वो व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम देता है, और तब देता है कि जब पुलिस के लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। किस तरह की तैयारी थी, किस तरह का षड्यंत्र था, क्या कुछ होने जा रहा था। और गोरक्षपीठ वह पीठ है जहां इसके पहले भी आतंकी हमले की साजिश हुई है। कांग्रेस की सरकार में इसकी रिपोर्ट आई थी, जब वहां पर विस्फोट गोरखपुर में हुआ है, साइकिल में विस्फोट कराया गया, योगी आदित्यनाथ जी के पर हमले की साजिशें हुई है, ऐसी 50 रिपोर्ट है, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार को उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कांग्रेस की ही सरकार थी जब जिसने योगी आदित्यनाथ जी समेत तमाम हिंदू संतों के ऊपर उनके ऊपर एक ऐसे लांछन लगाए थे जिसका जवाब देश की जनता ने दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत कष्टप्रद है, लेकिन मैं तो उनसे उम्मीद करूंगा जो सेकुलरिज्म का आज नकाब ओढ़े आपके डिबेट पर भी बैठेंगे, इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये हम सुनना चाहेंगे। क्योंकि मैं फिर कहता हूं, ये घटना अगर उल्टी हुई होती तो बहुतों के घर में मातम बन चुका होता, बहुत के घर में ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा होता, बहुत से तथाकथित जो सेकुलर पत्रकार है वो बड़े बड़े ट्वीट लिख रहे होते और उसको लेकर ट्रेंड करा रहे होते इंटरनेशनल लेवल पे, सीरिया पाकिस्तान बांग्लादेश न जाने कहां कहां से इसको लेकर प्रतिक्रिया आ रही होती। लेकिन एक गोरक्षपीठ पर हमला हुआ है, आज देखिए कैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। पूछते क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, पुलिस बताएगी। अरे साहब, जब पुलिस नहीं बताती है तो बाकी घटनाओं में 24 घंटे बाद कैसे कूद आते हैं आप? एनआईए के एक्सपर्ट होते हैं क्या कि आप पूरी घटना का विवेचना कर लेते हैं? ये कितना दोहरा रवैया है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, और यही कारण है कि देश की जनता को समझ में आ गया है कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चरें जो मूवीज आती हैं, कम बजट की मूवीज आती हैं, जनता देखना चाहती है। और मैं तो कहता हूँ हर वर्ग के लोग देखना चाहते हैं, जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो हकीकत है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और आज आपने इस विषय पर डिबेट रखी है, मैं आपको भी साधुवाद दूंगा कि कम से कम चीजें निकलकर सामने तो आए कि आईआईटीएल को किसने इतना बिल्कुल किया। नहीं नहीं, पर अब ये सेक्युलरिज्म है। और रहमानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप सीधा बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की घटना किसी और धर्म स्थल पर होती तो अब तक क्या हो रहा हो? अब तक ये कहा जाता कि इस देश में रहना मुश्किल है, इस देश में जय श्री राम जो है वो तो एकदम किसी लड़ाई का बिगुल है, बजा देते हैं ये जय श्री राम करके, ये डराने की भावना है इनकी। मैं पूछना चाहती हूँ, आज ये जो घटना सामने आई है, और मुर्तजा अगर इस तरह से, जिस तरह से अगर आप वो तस्वीरें देखें तो वो किस तरह से एक बड़ा सा काटने वाला लेकर भाग रहे हैं और लोगों पर हसिया जो है वो लोगों को उससे मार रहे हैं, दो सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं, और वो जिस तरह के धार्मिक स्लोगन्स बोला जा रहा है, इस पर चुप्पी क्यों है? कोई ट्वीट नहीं, कोई ट्रेंड नहीं ट्विटर में, कोई नहीं कह रहा ये मेरा हिंदुस्तान नहीं है जहाँ इस तरह से होता है, सब चुप। ये सेक्युलरिज्म है इसलिए। नहीं, मुझे मालूम है और मुझे हैरत भी है, मुझे बेतहाशा अफसोस भी है कि 8 साल से देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए 8 साल से हिंदुओं की सरकार है, सेंटर में भी, स्टेट्स में भी, आज तो राज्यसभा में भी। ये हिंदुओं की सरकार है, आप क्या कह रहे हैं? इसके बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं साहब, ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये चुनी हुई सरकार सबकी सरकार है। शायद शायद असलियत जो आपके दिल में है वो निकल जाती है, चाहे वो फैक्चुअल हो या ना हो। ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये चुनी हुई सरकार है, जनता ने चुना है। आप जो सरकार है वो सरकार अपनी जवाबदेही से बचना क्यों चाहती है बार बार? जब मई में पहले आप इस बात का जवाब दें कि आपने कहा ये हिंदुओं की सरकार है, ये आपका प्रहार था या? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं जी। मई 2014 में अशोक सिंघल जी जो वीएचपी के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार आई है, और उस पर किसी एक जानिब से भी, ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने, किसी ने नहीं कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की सरकार है, ये चुनी हुई सरकार है, बल्कि बहुत खामोशी के साथ उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। मैंने इसलिए कहा कि ये हिंदुओं की सरकार है, आप जाके देख सकते हो। बार 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 प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी, चुने हुए नुमाइंदों की तरफ से भी, इशारों के लाए हुए भी, और वाजे तौर पर भी ये बात कही जाती रही है कि पहली बार ये सरकार है जो मेजोरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि नहीं, बुरा क्यों नहीं मानना?
भाजपा ने बात में आप संविधान मुसलमानों को संविधान की अवमानना कर रहे हैं, आप उंगली उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि ये आपको क्यों कहना पड़ रहा है, बात को कंडेम करना चाहिए। नहीं नहीं, आपको ये हिंदू फोबिया नहीं लग रहा? इस्लामोफोबिया बहुत जल्दी नजर आता है, हिंदू फोबिया दिखने में इतना समय क्यों लगता है? चश्मा नहीं है या दिखना बंद हो गया है? अब मैं हिंदू फोबिया की तरफ आ जाता हूँ। अभी पिछले महीने टीएस रामूर्ति साहब ने, जो हमारे एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने एक इस्लामोफोबिया पर एक करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा था कि हिंदू फोबिया भी दुनिया में मौजूद है और उसको भी यूनाइटेड नेशंस के पटल पे लाके और टेररिज्म की कैटेगरी में रखना चाहिए। अब उसे साबित करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसकी प्लानिंग क्या होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बयान ऑन रिकॉर्ड है यूनाइटेड नेशंस के पटल पे मूर्ति साहब का बयान। मैं आपको लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में डाल रही हूँ, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट निकालने वाली हूँ जो कहा है। ये कभी नहीं कहा गया था कि ये हिंदू फोबिया है, हमेशा कहा गया था कि हिंदुओं के खिलाफ भी प्रताड़ना होती है। आप लाई डिटेक्टर के घेरे में है डॉक्टर रहमानी, ये जो सच को एक हल्का सा ट्विस्ट देना और उसका मतलब तोड़ना मरोड़ना जिस तरह से आप कर रहे हैं शलभमणि त्रिपाठी जी, यही तो हिंदू फोबिया है। नहीं देखिए, तस्नीम रहमानी साहब ने एक बात कही, हिंदुओं की सरकार 2014 के बाद आई है और मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आचार्य जी कितनी मुस्कुराते हुए उनकी बात सुन रहे हैं। चलिए, मैं तो देश को बताना चाहता हूँ कि रहमानी साहब इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि उसके पहले की सरकार मुसलमानों की सरकार थी, केवल मुसलमानों के लिए समर्पित सरकार थी। रहमानी साहब ये कहने का अर्थ ये था, तो रहमानी साहब ये समझ जाइए कि प्रधानमंत्री का आपको मैंने ऐसा नहीं कहा, उससे पहले किसी ने ये दावा नहीं किया था कि ये मुसलमानों की सरकार है या हिंदुओं की सरकार है। 2014 में पहली बार ये दावा किया गया है, उससे पहले कभी हिंदू मुसलमान का दावा नहीं किया गया। आप मुझे दिखा दीजिए कहीं पर, अगर हो मैं तो आपको स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। सब जानते हैं अशोक सिंघल जी के स्टेटमेंट को, लेकिन इससे पहले आप मुसलमानों की सरकार का कोई बयान किया कि 2014 के पहले मुसलमानों, आप इसे भी लाइए लाइट डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर के जुमरे में, आपकी लाइट डिटेक्टर नाविका जी ये भी लाइए, आप लाइट डिटेक्शन के जुमरे में लाइए ना। आपने तो कहा कि 2014 के पहले मुसलमानों की सरकार, आप जो फरमा रहे हैं इससे पहले मुसलमानों की सरकार थी ये भी लाइट डिटेक्शन में आने का आशय यही है। मैं आप नहीं नहीं, उनका कहना ये है कि अगर आपको सिर्फ मोदी सरकार लगती है हिंदुओं की सरकार, तो क्या मनमोहन सिंह की सरकार मुसलमानों की सरकार लगती थी? उन्होंने सवाल पूछा है, आपको लाइट डिटेक्टर टेस्ट क्यों याद आता है? आपका झूठ पकड़ा जाता है तो आपको लाइट डिटेक्टर टेस्ट याद आता है, आपको लगता है आपके साथ। वैसे आप इस्लामोफोबिया कहेंगे, लेकिन साथ चाहिए तो शलभमणि त्रिपाठी जी का, बीजेपी का साथ उन्हीं का चाहिए। ये कहां की बात हुई, मैं आपको बता रही हूं। लेकिन आचार्य जी मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, सिंपल सी बात है, अगर गोरखनाथ में ये कांड होता है, अगर करौली में हिंदू जुलूस पर पथराव होता है और उस पर अटैक होता है, ये मैं हिंदू मुसलमान में नहीं बांट रही थी, तब तक नहीं बांट रही थी कि ये एक क्राइम है और क्राइम के इंसिडेंट को क्राइम ही कहना चाहिए, इसको हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत का आपने जो सुना स्टेटमेंट, हर वक्त अगर राजस्थान में कुछ होता है तो वो मोदी की गलती है, गोरखनाथ में कुछ होता है तो मोदी की गलती है, कश्मीर फाइल्स बनती है तो मोदी की गलती है, ये क्यों मोदी से इतना ज्यादा लगाव है विपक्ष को कि हर चीज की गलती मोदी की नजर आती है, अपनी कोई गलती नहीं नजर आती? देखिए नाविका जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता जो अभी भी विधायक बने हैं, उनको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि उनका जो विधानमंडल का विधायक बनने के बाद का जो सफर है वो अच्छा रहे। अब सवाल है कि अब चुनाव बीत गया है, लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी उम्र में जरूर मुझसे छोटे हैं, वैसे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि गोरख पीठ के ऊपर जो हमला हुआ है, ये जो युवक पकड़ा गया है उसको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं घोर भर्त्सना करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से कि इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन
सवाल ये उठता है कि क्या ये व्यक्ति किसी आपराधिक संगठन से जुड़ा हुआ। मैंने आपसे, जब आपने मुझसे पहली बार सवाल किया तो ये सवाल किया कि ये कौन बताएगा, ये तो सरकार को साफ करना चाहिए, क्या वो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा है, क्या वो किसी आपराधिक प्रवृत्ति के संगठन से जुड़ा है, या वो उसका जो बैकग्राउंड है वो अपराधी है। अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे जो संदेह उत्पन्न हो रहा है, मुझे नहीं, हर जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत समझ होगी उसको हो रहा होगा कि ये व्यक्ति किसी भी मंदिर के द्वार पे जाकर के कोई एक धर्म विशेष का नारा लगाता है और हमला करता है, तो इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आप ये जो बात बार बार कह रही हैं कि अगर ये किसी दूसरे धर्म के द्वार पे जा करके करता तो सेकुलरिज्म चिल्लाता, और भाई सवाल सेकुलरिज्म का और कम्युनलिज्म का नहीं है, सवाल ये है कि एक घटना घटी है, उसकी निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। अगर वो किसी आतंकवादी संगठन जुड़ा हुआ तो उस पर आतंकवादी धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, जहां तक सवाल है राजस्थान का, मैं खुलकर कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर का और वहां की राजस्थान की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वहां कानून व्यवस्था का राज कायम रहे। पर वो तो नहीं रहा ना, किसी तो आप कहेंगे, आप कहें, मानेंगे इस बात को, नहीं नहीं आचार्य जी मेरा सवाल सुन ले, दो छोटे से सवाल है और छोटा सा जवाब दीजिएगा। सबसे पहले आप कह रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, अब जिम्मेदारी तो पूरी निर्वाह हुआ नहीं उसका, तो आप कहेंगे कि अशोक गहलोत की सरकार विफल रही, हाँ या ना? हाँ या ना? नाविका जी लोकतंत्र में संवाद से ही सब कुछ होता है। मैंने कहा कि भाई उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो नई जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं तो क्या मेरे हाथ में ये तो है नहीं कि अशोक गहलोत जी को बर्खास्त कर दूं, उन्हें हटा के दूसरे को चीफ मिनिस्टर बना दूं, ठीक है, लेकिन विफल रहे ये तो तुम ये क्यों नहीं कर रहे? मैं तो कह रहा हूं कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये राज्य सरकार का दायित्व है, ये राज्य सरकार की परिधि में आता है। और इसमें वो खड़े नहीं उतर पाए। चलिए सवाल नंबर दो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और सवाल नंबर दो में आज आपने कहा कि गोरखनाथ में जो हुआ उत्तर प्रदेश सरकार को इस सारी चीजों के जवाब जल्द से जल्द देने चाहिए कि वो आतंकी गिरोह के साथ उसका कोई लेना देना था, या जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं, उछल उछल के कह रहे हैं कि भाई मानसिक दबाव में था, आईआईटी बॉम्बे से निकला हुआ स्टूडेंट जिसके ऊपर सरकार ने काफी सब्सिडी भी दी है, आईआईटी की पढ़ाई ऐसे ही नहीं हो जाती, अब उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन आपने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि ये हादसा तो कल हुआ, इससे पहले 24 घंटे हादसा करौली में हुआ था, लेकिन मतलूब अहमद जो अब तक नदारद हैं, जिसे गहलोत साहब नहीं पकड़ पाए, उनसे तो आपने सवाल नहीं पूछा कि जल्दी पता करके बताइए क्यों भाग गया ये, क्यों इसके लिंकेजेस निकल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, कैसे इसने कर दिया इस तरह का कांड जिसमें पथराव हुआ, आग जली और लोगों के घर जलाए गए, दुकानें जलाई गईं, ये सवाल तो नहीं निकला आचार्य जी, क्यों? नहीं, सवाल बिल्कुल निकलना चाहिए और सवाल निकला होगा, ये आप कैसे कह सकते हैं सवाल नहीं निकला, लेकिन किसी भी अपराधी का किसी राजनीतिक पार्टी के मंच पर जाना या किसी राजनेता के साथ फोटो खिंचवा लेना ये नहीं सिद्ध करता है कि वो राजनीतिक दल अपराधी हो गया। अगर अपराध कोई समूह नहीं करता है, अपराध कोई समुदाय नहीं करता है। आपका पहले से बहाना आ गया, अभी तो जिस पर ये इल्जाम है वो पकड़ा भी नहीं गया, लेकिन आपका बहाना, आपका एक्सप्लेनेशन, आपकी पूरी विस्तार से उसके बारे में बहानेबाजी सामने आ रही है। अमित रायना जी, इतनी सारी बहानेबाजी, बहाना नहीं है ये, बहाना नहीं है। मैं आप चलिए दलील कह लेती हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ। नहीं, मतलूब अहमद के लिए कोई बात नहीं, मुर्तजा के लिए कोई बात नहीं, मुर्तजा पे सवाल है, लेकिन कश्मीर फाइल्स, ये तो इस्लामोफोबिया। देखिए, इस देश में सैकड़ों युवक अनफॉर्चुनेटली सुसाइड करते हैं, डेली करते हैं। आपने किसी हिंदू युवक को सुना आज तक कि वो दूसरे मजहब के धर्मस्थल पे गया, वहाँ के लोगों पे हमला किया, अपने धर्म के नारे लगाया और दूसरे लोगों को क्षति पहुँचाने की कोशिश करी? ये जो शांति प्रिय धर्म कहा जाता है, ये उसी में क्यों होता है?
30 दिन हो गए, आज एक महीना हो गया कश्मीर फाइल्स को रिलीज किए हुए। जब से रिलीज हुई तब से कहा गया है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करेगी ये फिल्म। एक इंसिडेंट नहीं मिलता है, किसी को खरोच तक नहीं है पिछले एक महीने में, किसी मुसलमान को खरोच नहीं आई है। मगर आपका राजस्थान में दंगे हो जाते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक मुसलमान नेता कहते हैं कि हिंदुओं को गोली मार देंगे, आपके धर्म स्थल पर अटैक हो जाता है, और आज कश्मीर में दो हिंदुओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। ये कैसी फिल्म है जो नफरत पैदा करनी चाहिए थी एक समुदाय में मगर कर रही है दूसरी फिल्म है समुदाय में। ये समस्या, ये कौन व्यक्ति चाहता है कि मैं सुसाइड करूं और दूसरों के मंदिर पर जाके अटैक करूं? ये तभी हो सकता है कि जब आपकी सोच ही वैसी रही हो और उस सोच को आप ठीक करना नहीं चाहते। माजिद हैदरी जवाब दीजिए क्यों नहीं आज बाहर निकल के हम सब कंडेम करें कि इस तरह की हरकत अनएक्सेप्टेबल है, इसका इस सोसाइटी में और हमारे समाज में हमारे देश में इसकी कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं हम सब मिलकर एक स्वर में बोल सकते? नाविका साहब आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए रमजान का महीना और कुरान शरीफ हमें ये शिक्षा देता है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, अर्थात आपके लिए आपका धर्म मेरे लिए मेरा धर्म। तो मैं भी बिल्कुल निंदा करता हूँ जो गोरखपुर में, उसकी भी निंदा करता हूँ जो राजस्थान में हुआ उसकी भी, जो दिल्ली दंगों में 24 मस्जिदें और दरगाहों पे हमला हुआ उसकी भी, जो रुड़की में पिछले बार चर्च पे हमला हुआ उसकी भी। लेकिन नाविका साहब अगर हम देश के हित में यहाँ बात कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि ये हालात ऐसे क्यों है, इसकी वजह क्या है कि एक डिप्रेशन पीड़ित लड़के ने गोरखपुर में ऐसा हमला क्यों किया। हमें समझना होगा हालात बने कैसे उस भारत में। माजिद हैदरी मेरे तो हालात ऐसे नहीं बने कि मैंने आप पे हमला किया, मुझे 30 साल से तो मेरे ऐसे हालात नहीं बने। अमित रायना जी को तो घर से निकाल दिया गया था, मेरे तो हालात ऐसे नहीं बने, मैंने आप पे हमला किया। उनके साथ जो 32 साल में हो रहा है इन्होंने तो नहीं उठाया कुछ। आपने IIT से पढ़े लड़के पे कैसे क्या हालात बन गए कि वो हिंदुओं पे अटैक करने लग गया? हमने तो नहीं किया, सड़कों पे रैली है, हमारी माँ बहनों के साथ बहुत कुछ हो गया, हमारे साथ बहुत कुछ हो गया, हमने तो ऐसे कोई हरकत नहीं करी। देखे रैना साहब मैं आपको बताऊं, बेंगलोर में, और ये जो आप ये आधी आधी आयतें पढ़ते हैं ये आयत पूरी पढ़ा करें, मेरी आपसे बड़ी विनती है, ये जो आधी आधी आयत पढ़ते हैं ये पूरी पढ़ा करें। नहीं पूरी पढ़ा करें और अगली उसके बाद की भी पढ़ा करें कि जहाँ पे भी काफिर देखे उसे मार दे ये भी बता दिया करें, और ये वाजिब कत्ल क्या होता है इस्लाम में वो भी बता दिया करें। ये सिलेक्टिव कोर्ट्स मत लाया करिए कुरान से, ये सिलेक्टिव वर्सेस मत लाया करिए, आधी आधी वर्स मत बड़ा करिए, डू नॉट आधी आधी वर्स नहीं, ये जो आपने पढ़ी है आपका धर्म आपके लिए मेरा धर्म मेरे लिए, उसके बाद की भी वर्स पूरी पढ़ लीजिए, उसमें कौन नरक में जाता है और उसमें कौन स्वर्ग में जाता है वो भी पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? ये सिलेक्टिव वर्सिंग मत किया करिए, उसकी पूरी वर्स मैं आपको सुना देता हूं, आपकी वर्स आपको वर्स पढ़ के दिखा देते कि आज गूगल का जमाना है, हर कुछ मिल जाता है, वो दिन चले गए जब आप लोग आधी आधी वर्ष सुनाते थे। लास्ट की वर्ष है उसमें चैप्टर, उसमें आगे की वर्ष भी बता दीजिए पूरी वर्ष क्या है, और उसके बाद ये भी बता दीजिए ये जो काफिर को मारने वाली वर्ष है वो कहाँ पे आती है। जी बात सुनिए ना, अब आप मेरी बात तो सुनिए, हमें देखना होगा वजह क्या है। अमित रैना जी आप मेरे हमें देखना होगा वजह, सबको पता है वजह क्या है, अरे और उस वजह को आप लोग सुधारने के मूड में नहीं है। चलिए आप मुसलमान को देखिए हमला मैं किसी भी धर्म की अवमानना बिल्कुल सही नहीं समझती, किसी भी धर्म की। आपको आपका धर्म प्यारा है और होना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म को नीचा दिखाकर, हिंदू धर्म जब के साथ जब इस तरह से होता है धर्म स्थल पर, तो उसे भी उसकी भी निंदा करने का थोड़ा सा जिगर रखा करिए। और रहमानी साहब आपका तो मैं आपका मैंने लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया था, और आपने बात कही थी कि हिंदू फोबिया वर्ड यूज हुआ था यूनाइटेड नेशंस में। मैं आपको पढ़कर बताना चाहती हूं, ये कहा था उसमें, इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट एलिवेटिंग द फोबिया अगेंस्ट वन रिलीजन टू द लेवल ऑफ एन इंटरनेशनल डे टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल द अदर्स, इन फैक्ट दिस रेजोल्यूशन मे वेल एंड अप डाउन प्लेइंग द सीरियसनेस ऑफ फोबियाज अगेंस्ट ऑल अदर रिलीजन्स। तो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी रिलीजन के खिलाफ रिलीजियोफोबिया नहीं होना चाहिए, चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, और आप
नहीं नहीं लेके ये बड़ा बड़ा संगीन जुर्म है आपका। आप लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हुए हैं, आप लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हुए हैं, पर बड़ा संगीन जुर्म आपका इसलिए क्योंकि आप बार बार बताना चाहते हैं कि इंडिया एज अ कंट्री, भारत देश इस तरह की बात करेगा। यूनाइटेड नेशंस में आपने भारत की तौहीन करने की कोशिश की है रहमानी साहब, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। नहीं नहीं आप नहीं, ये तो आप मूर्ति साहब से पूछे ना, मैं निकाल, आप उस पे केस कर दीजिए, मैं दिखा देता तो वहाँ पे दिखा मैं, दूंगा मैं दिखा रही हूँ ना आपको। मैंने भी यूएन के, मैंने भी ये यूएन पे उन्होंने कहा है, उन्होंने बड़ा बड़ा क्लियरली कहा है, इनफैक्ट देयर इज क्लियर एविडेंस दैट ओवर डेकेड्स सच रिलीजियो फोबियाज हैव इनफैक्ट अफेक्टेड फॉलोअर्स ऑफ नॉन अब्राहमिक रिलीजियंस एज वेल। उन्होंने सिखों की बात की है, हिंदुओं की बात की है, बुद्धिस्ट की बात की है, रिलीजियो फोबिया के खिलाफ बोला है, और आप भारत को नीचे दिखाने के लिए सिर्फ हिंदू फोबिया बोलते हैं। ये आपकी, ये जो आप अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, ये सही नहीं है। ना स्कॉलर, ना इस्लामिक, ना स्कॉलर, लेकिन मैं एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता, एक वाक्य पर एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। मैंने खास तौर पर जब मैंने आपको पूरा पढ़ के बता दिया है, तो बुद्धिस्ट भी हिंदू फोबिया होते हैं और देश को भी हिंदू फोबिया होते हैं। चारों तरफ जो हालात है, आप इस तरीके से पैसे लेके नफरत बेचने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। किसी भी कॉन्टेक्स्ट के बिना कोई शब्द का कोई मायने नहीं होता है। और रहमानी साहब आप किसी कोर्ट में चले जाइए, आप किसी कोर्ट में चले जाइए, जजमेंट यही आएगा कि आपने मिसकोट किया और पूरा मतलब बदल दिया जो कहा गया यूनाइटेड नेशंस में। मैं आपको बहुत, मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले में, क्योंकि रिलीजियो फोबिया को आपने हिंदू फोबिया बनाया। आप बहुत सिलेक्टिव कोटिंग करते हैं, और ये अगर हिंदू फोबिया नहीं है तो क्या है? ये अगर हिंदू फोबिया नहीं है तो क्या है? वैसे पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, और पब्लिक का सवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से आपके लिए भी आ रहा है, और आचार्य जी के पास भी। आचार्य जी और रहमानी जी से सवाल है कि करौली और गोरखनाथ मंदिर के हमलावर को डिफेंड करना क्या आम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है? जवाब दीजिए रहमानी साहब। पब्लिक जब सवाल पूछती है तो बड़ा सोच के पूछती है। देखिए, कोई भी क्राइम हो, टेररिज्म का हो या बहुत संगीन हो या हल्का हो, उसका एक मुहज्जब समाज में कोई जगह नहीं है। उसको निंदा करते रहना काफी नहीं होता, उसे रोकना जरूरी है, उसे खत्म करना जरूरी है, उसे किसी सूरत कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। 33 मिनट की डिबेट के बाद तो निंदा का शब्द आपके मुंह से निकला, 33 मिनट की डिबेट के बाद निंदा का शब्द मुंह से निकला, एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट फेल हो गया, उसके बाद निंदा का शब्द भी आपके मुंह से निकला। रहमानी साहब, खाली फॉर्मल होके निंदा कर देना रहमानी साहब दुनिया आपके सारे इशारे और सारी दलीलें समझ रही है। सवाल और भी है पब्लिक के, आचार्य जी आपके लिए। रोहित केसरी वाराणसी से, श्यामलाल गिरी दिल्ली से, आइए सुनते हैं इनके सवाल। मैं रोहित केसरी, मेरा यह सवाल है कि मोदी के विरोधी कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, तो फिर धार्मिक स्थान पर नारेबाजी के साथ गोरखनाथ मंदिर हमला क्यों? मैं श्यामलाल गिरी, मेरा यह सवाल है कि बीजेपी तो कहती है उनके राज्य में आतंकवाद अपराध पर नियंत्रण है, फिर क्यों गोरखनाथ मंदिर पर हमला हो गया? दो सवाल है। पहला सवाल आचार्य जी आपको, मोदी विरोधी कहते हैं कि मुसलमान तो डरा हुआ है, यहाँ तो गोरखनाथ पर हमला हो रहा है, तो डरा कौन है? देखिए, मोदी विरोधी कौन है मुझे तो पता नहीं, मैं तो मोदी जी का बिल्कुल विरोधी नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ। हाँ, उनके कुछ फैसले अच्छे हैं, कुछ फैसले गलत हैं। जो फैसले कुछ गलत होते हैं, हमें लगता है वो गलत हैं, हो सकता है उनका हम विरोध करने का साहस करते हैं, और हम करते हैं, और वो हम करेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक राइट है हमारा।
अब मैं सवाल बार बार जो पूछ रहा हूँ वो सवाल आप शलभ मणि जी से नहीं पूछ रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर जो है ये श्रद्धा विश्वास का हमारा बहुत बड़ा स्थान है, हमारी आस्था का स्थान है। वहाँ पर अगर कोई आतंकवादी घटना घटती है तो देश को ये जानने का हक है कि क्या वो एक साजिश थी, क्या कोई बड़े हमले की साजिश थी, या एक किसी एक व्यक्ति की नफरत का नतीजा था, या किसी और किसी कारण से ही घटना हुई, तो ये देश की जनता को जानने का पूरा हक है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इस बात का कोई जवाब शलभ मणि जी नहीं दे रहे हैं। शलभ मणि जी, यही सवाल पूछा था हमारे दर्शक ने भी और यही सवाल पूछ रहे हैं आचार्य जी। हालांकि आचार्य जी 72 घंटों में राजस्थान से भागे हुए मतलूब अहमद पर कोई सवाल नहीं पूछ रहे, लेकिन उनको गोरखनाथ के सारे आतंकी प्लान का जवाब चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार से। और हमारे दर्शक का कहना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है उत्तर प्रदेश में तो फिर ये हादसा हुआ कैसे? नविका जी मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत सारे सवाल हैं। राजस्थान में जो हुआ है उसका सवाल आप पूछ रही हैं, आपको भी हक है, शलभ मणि जी भी पूछ सकते हैं। मैंने भी कहा है कि ये गलत हुआ है, करौली की घटना की मैंने निंदा की है, लेकिन वहाँ राजस्थान पे आप सवाल पूछिए, कौन रोकता है? पूछिए, मैं भी कहीं सवाल पूछूं, आप भी कहीं सवाल पूछिए, शलभ मणि जी सवाल पूछें, यही लोकतंत्र का सौंदर्य है। जी जी, सवाल मैंने रोका, जो आपने उठाया आप उसी का जवाब दे रहे हैं शलभ मणि जी। शलभ मणि जी जवाब दीजिए। आपने दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख सचिव दोनों बैठे थे और दोनों ने इस बात को लेकर कहा है कि नहीं, आतंकी घटना से हम इनकार नहीं कर सकते। जहां तक दर्शक का सवाल था तो आतंकी घटना तो नहीं हो पाई, प्रयास था, अंदर ले जाकर वो क्या करता है, उसके बाद उसकी किस तरह की तैयारी थी। हमारे बहादुर पुलिस के जवानों ने इस पूरी घटना को नाकाम किया है और इसीलिए वो बधाई के पात्र है, मुख्यमंत्री जी उनको देखने पहुंचे हैं। मैं तो आपके सामने एक तस्वीर प्रस्तुत करूंगा। देखिए, यहाँ पर एक स्कॉलर बैठे हुए हैं, आपने कश्मीर से उनको बैठा रखा है, कोट टाई पहनते हैं, देखने में बहुत प्रबुद्ध लगते हैं। बात क्या करते हैं, हमारी कुरान कहती है, हिंदुस्तान में रहते हुए संविधान की बात नहीं करते, कुरान की बात करते। एक कोट टाई पहन के बैठा हुआ व्यक्ति जब कुरान की बात कर रहा है, कुरान के हिसाब से चीजों को नरेट कर रहा है, जब ये कहता है कि नहीं साहब, हम तो अपनी शरीयत को मानेंगे, हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, ट्रिपल तलाक को नहीं मानेंगे, ट्रिपल तलाक को हम मान के रहेंगे, तो यहां समस्या आती है। आप देखिए, कश्मीर फाइल्स देखते हुए मुझे सिर्फ एक ही ख्याल आया और मैंने कश्मीरी पंडितों को बार बार उनके प्रति मेरा श्रद्धा से और मन बढ़ गया कि इतना ज्यादा अत्याचार, इतना ज्यादा प्रताड़ना, इतना नारकीय प्रताड़ना होने के बावजूद। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ शलभ मणि त्रिपाठी जी, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला हुआ, आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को फिर गोली मारी, कश्मीरी पंडित सोनू कुमार बलीजी को मारी है गोली, सोनू कुमार गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुए हैं और ये एक बार फिर हमला एक कश्मीरी हिंदू पर। अमित रायना जी, आज तीन हिंदुओं पर हमला हो चुका है कश्मीर में और ये डरे हुए लोगों ने हमला किया है। ये सुरक्षित रख सक रही है माजिद हैदरी, आप जिस आयात की बात कर रहे थे उसका उसकी पहली लाइन ही शुरू होती है काफिरों, तो ये काफिरों से शुरू करते हैं आप लाइन और ऐसे डर गए, ऐसी नफरत फैलाई कश्मीर फाइल्स में कि आप हिंदुओं को ही मारने लग गए, ये कैसी नफरत? मैं पूछूंगा मेरे हिंदू भाई को किसने हमला किया? बिल्कुल, आप बताइए किसने हमला किया? आप तो 32 सालों से ये जवाब मांग रहे हैं, आपका सवाल तो 32 सालों से चल रहा है माजिद भाई जी। जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप पूछने लगते हैं मेरे हिंदू भाइयों को किसने मारा, ये सवाल क्यों नहीं पूछा था जब पिछली सरकारें थी? ये सवाल सिर्फ अब क्यों है? पहले तो आपने कहा था कि हिंदुओं की ऐसी फिल्म बना दी है जो सच नहीं है और उसके बाद मुसलमानों पर यहां पर हमले होंगे, अब देखिए जो सवाल आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कौन कर रहा है ये? नाविका साहिबा, ना मंदिर सुरक्षित है, ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुसलमान तो थे ही नहीं सुरक्षित। मुसलमानों को तो खाने पर बैन है, हिजाब पर बैन है, सांस लेने पर बैन है, ये देश में हो क्या रहा है? कहां पे खाने पे बैन है, कहां पे हिजाब पे बैन है, कहां पे? ये मतलब अभी कहां पे आप तो खुले आम धमकियां दे रहे हैं, आप खुले आम वो आयतें पढ़ रहे हैं जो धमकियां देती हैं, वो शुरू ही करती हैं ऐ काफिरों से, उस आयत की आधी लाइन पढ़ते हैं, पहली लाइन ही नहीं पढ़ते हैं, ओ डिसबिलीवर्स, ओ ए काफिरों, ये ऐसे ही शुरू होती है ना, ये ऐसे ही शुरू होती है, माजिद हैदरी की नहीं होती है?
हाँ या ना में जवाब दीजिए, कैसे शुरू होती है सरकार की, ये शुरू ही ऐसे होती है एक काफिरों से, और आप हमें बताएंगे कि कैसे, ये आप सवाल उनसे पूछे जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे सवाल टाइम्स नाउ ना भारत पर सोनू कुमार की पहली तस्वीरें आई हैं, किस तरह से गोली लगी है इन्हें, और मैं पूछना चाहती हूं कि आज तो कम से कम इस्लामोफोबिया से हिंदू फोबिया के बारे में भी सोचिए, कौन कर रहा है ये, क्यों हो रहा है ये, मुझे इस बात का जवाब दीजिए रहमानी साहब, क्यों हो रहा है ये, क्योंकि दुर्गेश यादव लखनऊ से और जय कुमार गाजियाबाद से, इनके भी सवाल है, आइए सुनते हैं पहले इनके सवाल है क्या जो ये सवाल आज उठा रहे। नहीं, ये सवाल का जवाब मुझे, मैं नहीं दूंगा इस सवाल का जवाब, मैं नहीं दूंगा इस सवाल का जवाब, सरकार को देना होगा, जो चुनी हुई सरकार जिसे आपने कहा वो देगी इस सवाल का जवाब। चलिए सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हाय, मेरा नाम है दुर्वेश यादव, मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी राज में रेडिकलाइजेशन हो रहा है तो क्या सिर्फ हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन हो रहा है? मेरा सवाल ये है कि अगर भारत में मोदी की वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो यूरोप में आतंकी हमले की वजह क्या है? जवाब देंगे रहमानी साहब, यूरोप में क्यों हो रहे हैं फिर आतंकी हमले? सवाल है, इसका जवाब बहुत, ये जो दूसरा सवाल किया है जिस बच्चे ने, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाकी देशों में रेडिकलाइजेशन की वजह क्या है, और यही फैक्ट है कि पूरी दुनिया में राइट विंग रेडिकलाइजेशन, बाकी देशों में रेडिकलाइजेशन है, इंडिया में कोई रेडिकलाइजेशन नहीं है, भारत में कोई रेडिकलाइजेशन नहीं है, यहाँ पर सब अच्छा पढ़ते हैं, और सिर्फ नहीं, भारत में भी है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, इससे इंकार मत, पर थोड़ा सा इससे इंकार मत कीजिए, पर थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन है, और हर धर्म का रेडिकलाइजेशन, जो सोच पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रही है वो दियोबंद तो हिंदुस्तान में है, वो सोच तो दियोबंद से आती है, वो तो हिंदुस्तान में है, और आप कह रहे हिंदुस्तान में रेडिकलाइजेशन नहीं है, उस पूरी सोच का जन्मदाता हिंदुस्तान में है, हमसे 100 किलोमीटर दूर है, और आप कह रहे हिंदुस्तान में नहीं है रेडिकलाइजेशन, 5 लाख लोग बेघर बैठे 32 साल से, और आप कह रहे रेडिकलाइजेशन नहीं है हिंदुस्तान में, अरे भाई यहाँ पर रोज हिंदुओं के मंदिर पर अटैक होता है, आप रेडिकलाइजेशन नहीं हिंदुस्तान में, जेल से आते हैं, राजस्थान में हिंदुओं की रैली पे, हिंदुओं के धर्म रैली पे अटैक होता है, आप कहते रेडिकलाइजेशन नहीं है, आज 3 हिंदुओं को मार दिया, वो रैली आज 3 हिंदुओं को कश्मीर में गोली मार दी जाती है, आप कहते रेडिकलाइजेशन नहीं है, जो बाइकर्स जो नारे लगाते हुए जा रहे थे, क्या नारे भी नहीं लगाए भारत माता के, मतलब भारत माता के नारा भी नहीं लगाए, रोजाना ऐसा शरिया हो गया, 20 लाख 50 ऐसा शरिया हो गया है क्या, जीरो भारत माता के नारे भी नहीं लग सकते, भारत माता के नारे लगाना रेडिकलाइजेशन है, जय महादेव कहना रेडिकलाइजेशन है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये नहीं है, ये बुल्ले काटे जाएंगे रेडिकलाइजेशन, किस तरह का भारत है, और वो लोग इनका कहना है, इनका कहना है कि सब कुछ चुप करके सहो जैसे 32 सालों से सह रहे थे, कोई फिल्म ना बनाओ जिसका नाम हो कश्मीर फाइल्स, कोई गोरखनाथ मंदिर की बात ना करो, कोई करौली की बात ना करो, कोई बात ना करो, क्योंकि हम इसका जवाब नहीं देंगे, मेरा जवाब तो बनता ही नहीं है, ये जवाब है सरकार का, तो शलभ मणि त्रिपाठी जी आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि रहमानी साहब का तो कोई जवाब देने का दायित्व ही नहीं है। हाँ, सरकार देगी, और इनको बता रहा है कब और कैसे भेजेंगे कश्मीरी पंडितों को, चुप कराएंगे जी। शलभ मणि जी, देखिए कितने कितनी धूर्तता की बात है, कहते हैं कि हिंदुस्तान में दिक्कत नहीं है तो बाहर दिक्कत है, बाहर दिक्कत है, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहा, पूरी दुनिया अगर किसी एक धर्म से परेशान है तो उस धर्म का नाम पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया ना, लेकिन रहमानी साहब को तकलीफ हो गई होगी क्योंकि समझ गए कौन सा धर्म है, अरे सुन लीजिए भैया रहमानी साहब, एक धर्म से पूरी दुनिया का नाम लेने आ रहे हैं, और मैं बता सकता हूँ, मैंने नाम नहीं लिया, पूरी दुनिया किस किस धर्म से परेशान है, आपको परेशान हो रहा है, एक ही आइए और बैठ के पूरी दुनिया तबाह हो रही है, आप समझ लेंगे, मैंने नाम नहीं लिया, आप विश्व में कम से कम भर में क्यों फैलाया जाता है, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है, बुद्धिस्ट फोबिया क्यों नहीं है, ये फोबिया, मैं एक मिनट अंदर आऊं, हमें
एक धर्म को इस तरह कहने का मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब टेरर की बात होती है तो इस्लामिस्ट टेरर की बात होती है? इस पर हमें सोच विचार करना पड़ेगा। नहीं, माओवादी कौन से इस्लामिस्ट हैं? माओवादी कौन है? वो इस्लामिस्ट है। जो कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ये सेकुलर नारा है क्या? हमें कश्मीर चाहिए हिंदुओं के बिना, हिंदू औरतों के साथ, ये सेकुलर नारा है क्या? आपका भारत माता की जय कमनल नारा दिखता है, मगर कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, सेकुलर दिखता है? ये कौन सा स्टैंडर्ड है आपके? मुझे भी बता दीजिए। वंदे मातरम पे तकलीफ है, मगर नालाय तकबीर पे तकलीफ नहीं है? क्यों नहीं है? वंदे मातरम में तकलीफ क्यों है? नाले पे नहीं है। तकलीफ क्यों नहीं है? हमको किसी पे तकलीफ नहीं है। तो बोलिए वंदे मातरम। बताइए कि आप हिंदू राज बनाने के लिए आपके पास हिंदू राज है तभी आप सेकुलर है ये देश? अगर आपका रोड मैप क्या है, जहाँ पे आपकी मेजोरिटी है क्या हाल होता है? क्या है वो बताइए, आपकी मेजोरिटी होती है क्या हाल होता है? एक देश बता दीजिए 57 में जो सेकुलर है। आप 57 में से एक देश बता दीजिए जो सेकुलर है। हिंदू राष्ट्र में बात नहीं हो। एक मिनट मैं आपने कहा जवाबदेही बनती है सरकार की। शलभमणि त्रिपाठी जी से सवाल पूछा मैंने। शलभमणि जी जवाब दीजिए कि ये क्यों हिंदुओं पर इस तरह के अटैक हो रहे हैं? क्यों गोरखनाथ पीठ पे इस तरह से अटैक हो रहा है? क्यों करौली हो रहा है? सब आपकी गलती है। नाविका जी, मेरे साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है, मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा, आप भी समय नहीं दे रही है, ये लोग भी कूद पड़ रहे हैं। मैंने कहा मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक धर्म से दुनिया तबाह है ये कहते ही वो पारसी भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, रहमानी साहब खुद ही को चले आते हैं, पूरी दुनिया जानती है वो धर्म कौन सा है। मैं नाम नहीं ले रहा, एक धर्म ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा। और एक धर्म का नाम लेते हैं आप? अब देखिए, आप नाम लेते हैं, एक धर्म नहीं है, सारे धर्म हो सकते हैं रहमानी साहब। अरे सुन, आप झूठ बोलते हैं इसलिए आना पड़ता है बीच में। अरे कारण सुन लीजिए, जब कोर्ट मैंने किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा, क्या मैंने लिया है किसी धर्म का नाम? मैं कह रहा हूँ कि सब धर्मों में ऐसे लोग हैं, आप एक धर्म कह रहे हैं, ये है फर्क। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, इस फर्क को बता रहा हूँ, आप एक धर्म के खिलाफ हैं। अरे भाई, एक धर्म आप नाम लिए बगैर एक धर्म के खिलाफ हैं, और मैं नाम लिए बगैर कह रहा हूँ कि हर धर्म में ऐसे लोग आप मानना नहीं चाहते। उस धर्म के बारे में हर एक धर्म नहीं है, मैं उसी को कह रहा हूँ, एक धर्म नहीं है, पूरी दुनिया हर धर्म है, चाहे वो हर धर्म में एक धर्म को लेकर पूरी दुनिया जानती है। मैं उसका कारण क्या है, जब कोट टाई पहना हुआ एक शख्स जब टीवी पर बैठता है वो बात क्या करता है? बोल रहे हैं आप, कहता है कि इसे लाइट डिटेक्शन पे लाइए आप, वो हिजाब की बात कर रहा है। अरे भाई, हिजाब की बात कौन कर रहा है? कोट टाई पहनकर बैठे हैं, शो कॉल्ड स्कॉलर है, प्रबुद्ध है, और इनको हिजाब चाहिए? ये जब कोट टाई पहने हुए लोग ऐसी बात करते हैं तो जो कट्टरपंथी है, जो चरमपंथी है, जो अंदर जाकर बंद कमरे में बैठ के करते हैं, जब वो नफरत बोते होंगे वो क्या करते होंगे? उसी का कारण है गोरखपुर जैसी घटना, एक आईआईटी में लड़का इस तरह की घटना कर। माजिद हैदरी ये बताइए ना कि ये हिजाब की लड़ाई क्यों नहीं आजादी चाहते आप छोटी बच्चियों के साथ? क्यों नहीं आजादी चाहते कि स्कूल में कम से कम उन पे कोई फर्क ना हो? हिजाब पर भी लड़ाई होनी है, स्कूल में बाहर निकलेंगी जाएंगी जो उनको करना है करेंगी, पर स्कूल में क्लास में बैठे क्यों चाहते हैं आप कि उनका और बाकी बच्चियों में फर्क किया जाए? क्यों? मैडम, मैं भारत की हर महिला का आदर चाहता हूं, मैं बिंदी चाहता हूँ हिंदू महिलाओं के लिए, सिंदूर चाहता हूँ, साड़ी चाहता हूँ, घूंघट चाहता हूँ, वैसे अपनी मुसलमानों के लिए कोई सिंदूर नहीं लगाता चाहता हूँ। स्कूल में कोई सिंदूर नहीं लगाता, स्कूल में कोई गजरा नहीं लगाता, स्कूल में कोई बिंदी नहीं लगाता। और बिंदी बिंदी का धर्म से कुछ मत जोड़िए, बिंदी श्रृंगार का एक पार्ट है। जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं हिजाब की, वो कह दीजिए आप, इसको स्कार्फ कह दीजिए आप, हिजाब में क्यों अटक गए? बिल्कुल हिजाब में अटकेंगे, जो भी हमारी बहनों को हमारी बेटियों को पीछे बैकवर्ड करने का प्रयास करेगा हम उसका विरोध करेंगे। आप ना करें, आपको किसने रोका है? आप ना करें। सवाल मजहब पर नहीं है, सवाल सिर्फ यूनिफॉर्म ना पहनने पर है। पर चलिए वो मुद्दा फिर कभी, बात आज और आज सवाल पब्लिक का, पर जो बेसिक मुद्दा है, जो मूल मुद्दा है, वो ये है कि भारत में किसी एक धर्म को पीड़ित बताने या किसी एक धर्म को हमलावर बताने की राजनीति सबसे खतरनाक राजनीति होती है, क्योंकि इससे देश बढ़ता है। 1947 में आजादी के बाद से भारत ने
सेक्युलर संविधान को स्वीकार किया। सेक्युलर देश में धर्म के नाम पर होने वाले हर हमले के खिलाफ सबको आवाज उठानी होगी और उठानी चाहिए, चाहे वो 1990 का कश्मीर नरसंहार हो, 1984 का सिख विरोधी दंगा हो, या आज के दौर में करौली और गोरखनाथ की घटनाएं हो। लेकिन एक विशेष लॉबी है जिसे सिर्फ इस्लामोफोबिया नजर आता है, हिंदू फोबिया पर बस मौन। ऐसा क्यों? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज सवाल पब्लिक का शो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पर जाइएगा मत, क्योंकि लगने वाली है न्यूज की पाठशाला।